हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू? आई एम होपिंग ऑल यू आर हेल्दी एंड वेल्दी। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो सभी का आज के लेक्चर में आपको मेरे तरफ से वेलकम करता हूँ। और आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में हम एकदम लास्ट के पॉइंट पे है ना आ गए हैं। तो उसको हो सकता है कि आज के लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल्स ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड्स ये पॉइंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसके अंदर में हमने न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर में आरएनए और डीएनए के बारे में हमने जानकारी ली थी, जिससे जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने लगती है। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर में हमें जैसे कि पता है आरएनए और डीएनए आते हैं। ठीक है ना, आरएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए दैट मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, दैट मींस न्यूक्लिक एसिड्स सच एज डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ओएच ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ फॉस्फेट ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इन द सेंस ज्वाइन हो जाते हैं थर्ड कार्बन का ओएच और थर्ड कार्बन का ओएच एक न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का और फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जो कि आप फिगर में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, फिगर में हम लोग अगले इसमें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं है ना, टू एंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो दो एंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, तो ये कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं है ना जिसके अंदर में एक एंड जो होता है ना, तो वो फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि फिफ्थ कार्बन पोजिशन पे होगा है ना, कॉल्ड फिफ्थ एंड। और जो दूसरा होता है थर्ड कार्बन के पोजिशन पे, जिसको हम थर्ड एंड कहेंगे, जिसके ऊपर में ओएच ग्रुप होता है। ये पोजिशनिंग देख रहे हैं है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन पे ओएच रहेगा और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे है ना, दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में स्ट्रक्चर भी हमें देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखिए आप लोग कि यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड एंड और फिफ्थ एंड क्या हो जाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से, और थर्ड एंड पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ज्वाइंट होंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर में हमें यहाँ पे फिगर में अगर से देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये फिफ्थ और थर्ड एंड में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो इसके अंदर में यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉर्म होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलेंगे इसको। ठीक है, अब ये ज्वाइनिंग होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होगा है ना, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड आपको क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे निगेटिव चार्ज नजर आ रहा है ना, निगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा कि यहां से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और यहां पे है ना, इस प्रोटॉन निकल जाने के बाद में यहां पे लिंकेज आपको फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, मतलब यहां पे ये फिफ्थ एंड और ये थर्ड एंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, फिफ्थ एंड एंड थर्ड एंड। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये आपको फिफ्थ एंड नजर आ रहा है और यहां पे जब ज्वाइनिंग हो रही है तो ये कहां, कौन से एंड पे हो रही है, थर्ड एंड पे आपको यहां पे ज्वाइनिंग नजर आ रही है। ठीक, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर से देखें
पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे फॉर्म होगा, ये तो डाइन्यूक्लियोटाइड देखा। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में क्या होगा, कनेक्शन करते चले जाएंगे, कनेक्शन करते चले जाएंगे मतलब लिंकेज फॉर्म होगा, ज्वाइनिंग होगी, तो इससे बनेगा हमारा पॉली न्यूक्लियोटाइड, जो कि पॉली न्यूक्लियोटाइड मैं आपको आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, यहां पे आपको स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो है पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना, जिसके अंदर में हमें नजर आएगा कि कैसे एक दूसरे से वो ज्वाइंट होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर जो फिगर में अगर से देखें शुगर फॉस्फेट क्या रहेगा, बैकबोन रहेगा, तो यहां पे ये फॉस्फेट ग्रुप शुगर बेस, है ना, फिर से फॉस्फेट ग्रुप शुगर बेस फॉस्फेट शुगर एंड बेस। तो यहां पे अगर से आप देखें अच्छे से तो यहां पे ये फिफ्थ एंड नजर आ रहा है आपको, और यहां पे अगर से देखें तो ये कौन सा नजर आ रहा है, थर्ड एंड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा। तो यहां पे अगर से देखें तो यहां पे क्या बता रहा है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहेगा, ओके, और ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये फॉस्फेट शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस, ऐसे ही कंटिन्यूअसली क्या होंगे, एक न्यूक्लियोटाइड, है ना, एक डाई न्यूक्लियोटाइड दूसरे डाई न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइंट होते चले जाएंगे। तो जब ऐसा होगा कि जहां पे एक से दूसरा दूसरे से तीसरा ज्वाइंट होते जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म होते चलेंगे। ठीक है, जिसको हम सिस्टमेटिक, है ना, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कह सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर से देखें तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन भी नजर आएगा, है ना, क्वेश्चन भी आपको नजर आएगा, जैसे ये आपके सामने मैं रख देता हूं। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए ड्रॉ, यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्रॉ और स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन और सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड, है ना, ट्राई न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट, है ना, एसीटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे, है ना, यहाँ डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज आपको नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर में इन बिटवीन क्या नजर आ रहा है, फॉस्फेट फॉस्फेट अगेन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे अगर से देखें तो हमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट निकालने के लिए पूछा है डीएनए मॉलिक्यूल का। तो यहां पे इन डीएनए मॉलिक्यूल शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, द बेस ए इन द गिवन सेगमेंट इज एट, कहां पे रहेगा, फिफ्थ एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, व्हाइल द टी एट द एंड ऑफ क्या रहेगा, थर्ड एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, हेंस दिस वन इज द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सेगमेंट ऑफ डीएनए, यहां पे हमने ड्रॉ कर लिया, ये देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, यहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रिमेम्बर मैं ऐसे बोलूंगा, है ना, ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है, यहां पे मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स बैकबोन कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे जो बैकबोन हम यूज कर रहे हैं, जो मेंशन कर रहे हैं, तो वो न्यूक्लिक एसिड में जो बैकबोन होता है वो किससे बना हुआ होता है, एक तो शुगर और फॉस्फेट से बना होता है, जिसके अंदर में शुगर और फॉस्फेट के ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स अ बैकबोन कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फिर उसके बाद बैकबोन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डीएनए कंटेन्स, है ना, बैकबोन जो भी डीएनए होते हैं तो डीएनए के अंदर में जो बैकबोन होता है ना, तो वो क्या होता है, कंटेन्स शुगर टू डीऑक्सी, है ना, डी राइबो, वाइल दैट ऑफ आरएनए, है ना, डीएनए में क्या रहेगा, शुगर टू डीऑक्सी डी राइबोस, और आरएनए में क्या रहेगा, शुगर डी राइबोस, है ना, यहाँ पे शुगर टू डीऑक्सी होगा डी राइबोस, यहाँ पे शुगर डी राइबोस रहेगा। ठीक है, आरएनए के अंदर में, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी का केस है, तो द आइडेंटिटी एंड सिक्वेंस ऑफ बेसिस डिस्टिंग्विश वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम अदर, है ना, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन से बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिटी एंड सीक्वेंस के बेस पे उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब दोनों भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर में डिफरेंस क्या रहेगा, एक तो उनकी आइडेंटिटी कैसी डिफरेंस रहेगी, किसके केस में, कौन से केस में, बेस के केस में, बेसिस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैज वन फ्री फॉस्फेट ग्रुप एट द एंड ऑफ फिफ्थ एंड, बराबर ना, हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे तो उसके अंदर में एक चीज नजर आई कि
फास्फेट का एक एंड क्या होता है, फ्री होता है, जिसको हम फिफ्थ एंड कहते हैं, ठीक है। और उसी फास्फेट ग्रुप में हमें और एक एंड नजर आता है जिसको हम थर्ड एंड कहते हैं, जो कि फ्री ओएच ग्रुप रहता है। एट द एंड ऑफ थर्ड एंड देयर इज फ्री ओएच ग्रुप, है ना। मतलब एक फिफ्थ एंड पे और एक थर्ड एंड पे क्या रहेगा, फ्री ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। तो ये था आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बायो मॉलिक्यूल्स। अब जो लास्ट पार्ट जो हमारे सिलेबस में आपको नजर आ रहा होगा, तो वो है डीएनए डबल हेलिक्स। तो ये सिलेबस में से हमें कम कर दिया हुआ है, मतलब ये सिलेबस का डिलीटेड या निकाला हुआ पार्ट है, तो वो पार्ट को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो वैसे तो बायो मॉलिक्यूल्स ये थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, तो इसको हमें चाहे रट्टा मार के हो या कोई भी केस में हमें क्या करना है, क्लियर करते रहना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज यहाँ पे हमने बायो मॉलिक्यूल्स को फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज सेंड कर दूं, है ना, आपको दे दूंगा, तो वो एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में रुकते हैं, आज के केस में इतना ही। थैंक यू।